उत्तरकाशी में महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट के बैनर तले महिला शक्ति जिला कार्यालय से बीरपुर डुंडा होते हुए चौकी डंगार तक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य मास्क आवंटन, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छता अभियान एवं विधवा माताओं बहनों के लिए लक्षित 6 बिंदुओं पर जनमानस को अवगत कराना रहा। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। मैडम, जो यह रैली थी महिला शक्तिकरण की, एक किस उपलक्ष्य में आप लोगों ने निकाली आज? सर, इसमें विधवा माताओं के 6 बिंदु पे काम किए जाएगी। विधवा माताओं को पेंशन दी जाएगी, विधवा माताओं को के बच्चों के शिक्षा के ऊपर है, बिल के ऊपर है, पानी और लाइट की, बस का है, और उनके बच्चों की फ्री पढ़ाई के लिए है। और इसमें विधवा माता ही नहीं, अन्य भी लोग हैं जो मतलब महिलाओं के साथ जो आजकल हो रहा है प्रेजेंट टाइम पे, हमारे समाज में कुरूतियां फैली है, उनके निवारण के लिए भी है। इस तरह से एक महिला को सशक्त बनाना है, उसको हमने आगे लाना है, उस चीज पे हमने काम करना है। सर राणा जी, जो आज की रैली थी महिला शक्तिकरण की, आप इससे देश में क्या मैसेज देना चाहते हो? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। आज दिनांक 30/3/2022 में हमारे पूरे भारत देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जी जायसवाल एवं अध्यक्षा श्रीमती अनीता मैम के माध्यम से हमने आज यह रैली अपने जनपद उत्तरकाशी में इसलिए निकाली है कि इसमें हमने विधवा माताओं के 6 बिंदुओं पे चर्चा हुई है। और आज हमने अपने जनपद में मास्क वितरण किए हैं, सैनिटाइजर वितरण किए हैं, और प्लास्टिक मुक्ति भारत देश की जागरूकता के लिए हमने आज यहाँ पर यह रैली निकाली है। और पूरे भारत देश में हमारे जितने भी विधवा माताएं, विधवा बहनें, तलाकशुदा माताएं बहनें हैं, उनके लिए जितने भी हमारे 6 बिंदु हैं, उन 6 बिंदुओं पे चर्चा की गई है। और इसीलिए हमने आज श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जायसवाल जी के माध्यम से और राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अनीता सिंह जी मैम के निर्देश अनुसार यह रैली आज अपने जनपद में निकाली है।